जम्मू में पिछले कई दिनों से जारी ठंड भी गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस के जोश को कम नहीं कर सकी। शहर के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, फायर ब्रिगेड कर्मियों व अन्य सुरक्षा बलों के जवानों ने मार्च पास्ट किया तो स्कूली बच्चों के टुकड़ियों ने भी उनके साथ कदम ताल की। सलामी मंच के सामने से गुजरते ही जब कोई टुकड़ी जय हिंद का नारा लगाती तो स्टेडियम में भारत माता की जय के जय घोष गूंजने लगते। देशभक्ति के इस जोश ने ठंड में भी लोगों को गर्मी का एहसास करवा दिया। बुधवार को आयोजित होने जा रहे गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस देश भर में सोमवार को आयोजित हो रही है और जम्मू में भी इसका आयोजन हुआ। इस समय पूरा प्रदेश ही ठंड की चपेट में है, लेकिन इस समारोह में भाग लेने वाले बच्चे हो या सुरक्षा बलों के जवान, उनके कदम तो ना तो रिहर्सल के दौरान बारिश के बीच रुके और ना ही फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान कम कपाती ठंड रोक पाई। मौलाना आजाद स्टेडियम में डिपकॉम जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने मार्च पास करने वाले दस्तों से सलामी ली, जबकि वहां पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। जी देखिए, आज 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल रहती है हमारे इस नेशनल इवेंट की, और आप सभी ने देखा कि पूरे जोशो खरोश से सभी पार्टिसिपेंट्स ने, सभी कंटिंजेंट्स ने, सभी कल्चरल ग्रुप्स ने यहाँ पर अपना आज फाइनल प्रैक्टिस किया, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा तरीके से जो है आज हमारा ये पूरा रिहर्सल हुआ है। एंड
हमने बेस्ट विशेज सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी कंटिजेंट्स को, हमारा डेयर डेविल वाला जो एक्रोबेटिक ग्रुप है, और इसके साथ साथ जो लास्ट मोमेंट हमने जायज़ा भी लिया सभी तैयारियों का, और जो हल्की कमी पेशी पाई गई उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। कोविड से रिलेटेड किस तरह से तैयारियां यहां पर? जी देखिए, पूर्ण तरह से कोविड एसओपी को फॉलो किया जा रहा है, एंड जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और मास्क वेयरिंग, और इसके साथ साथ जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधी जो भी दिशा निर्देश हैं उनको पूर्णतः यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। व्यवस्था की बात की जाए तो उसको लेकर किस तरह से प्रबंध है? जी देखिए, हर साल की तरह बिल्कुल इसमें अचूक प्रबंधन किया गया है सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, और आपने देखा होगा कि सीनियर अफसरान ने रिव्यू किया है, सिक्योरिटी रिव्यू, और बंदोबस्त और गाड़ियों की पार्किंग से लेकर मूवमेंट ट्रैफिक पुलिस ने कल जारी भी किया है एक अपना रूट प्लान, ताकि जनरल पब्लिक को भी कोई मुश्किल ना हो, पता रहे कि कहाँ कहाँ पर रूट कहाँ कहाँ पर बंद रहेगा कितने समय के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तैयारियां हैं हमारी इस कार्यक्रम के लिए, और हमारा ये नेशनल इवेंट जो है हर साल की तरह पूरे जोशो खरोश से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अगर वेदर में डिस्टर्बेंस आती है, बरसात होती है, ये देखिए सभी उसके लिए जो है वो इंतजाम किया गया है, और मैं समझता हूँ कि द वेदर गॉड्स शुड बी काइंड, और मौसम हमारा जो है वो साफ ही रहे।